नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी में करीब चार महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट विस्तार भाजपा की ओर से किया गया है। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद समेत सात नेताओं ने आज मंत्री पद की शपथ ली। जितिन के अलावा मंत्री पद की शपथ लेने वालों में पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटिक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार शामिल रहे। योगी सरकार का बहुप्रतीक्षीय मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटिक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार को राज्य मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के लिए जितिन प्रसाद सहित सभी नेता राजभवन पहुंचे हुए थे। जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री बने, जबकि छह अन्य राज्य मंत्री चुने गए। राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व मंत्री इस मौके पर मौजूद दिखाई दिए। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नितिन, जिस तरह से भाजपा का उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया है, ऐसे में क्या कुछ जिम्मेदारियां मंत्रियों को सौंपी गई हैं? जिम्मेदारियां अभी आगे चल के सौंपी जाएंगी, जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और शपथ ग्रहण में ये बता दिया गया है कि कौन से मंत्री हैं, किसको कैबिनेट दिया गया है और कौन राज्य मंत्री है, कौन स्वतंत्र प्रभार है। इनका जो लेखा जोखा है वो अब से थोड़ी देर पहले दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बता दूं कि विभाग किसको क्या बंटने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किसको क्या विभाग मिलता है। हालांकि जिस तरह से जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री का कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है और अटकलें निकल के सामने आ रही है कि रमापति शास्त्री से जो उनका विभाग है वो छीना जा सकता है, एक सूत्रों के अनुसार जो पता चला है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि रमापति शास्त्री का जो विभाग है वो जितिन प्रसाद को दिया जा सकता है। जी नितिन, जिस तरह से आज जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, ऐसे में एक ब्राह्मण चेहरे को कैबिनेट मंत्री बनाना, क्या जो ब्राह्मण वोट है उसे साधने की कोशिश की जा रही है? आज निकलकर सामने आए हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में लगभग सभी किसी ना किसी प्रमुख जाति से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम जितिन प्रसाद की बात करें तो ब्राह्मण है, इसके अलावा बलरामपुर से पलटू राम जो है वो राज्य मंत्री है और वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। बरेली से छत्रपाल गंगवार है जो कि कुर्मी जाति के हैं। गाजीपुर से संगीता बिंद जो है और इसके अलावा राजीव कुमार गौड़ जो है वो एसपी हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि लगभग सभी वोटरों को, सभी वोट बैंक को साधने का जो प्रयास है वो किया गया है इन नामों के जरिए। और अगर ब्राह्मण की बात करी जाए तो जितिन प्रसाद कांग्रेस में बहुत ही बड़ा नाम रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी थे, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता खत्म करके वो बीजेपी में शामिल हुए थे और कहीं ना कहीं एक जो अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर अभी दी गई है, लेकिन इसकी जो रूपरेखा थी वो पहले ही तैयार कर दी गई थी। और जितिन प्रसाद कहीं ना कहीं इन्हीं शर्तों पर बीजेपी में शामिल भी हुए थे कि उन्हें एक मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख जिम्मेदारी दी जाए, ताकि जो उनकी जमीन खो रही थी, वो जो जिस जमीन को वो खो रहे थे उस जमीन को वापस पा सके। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसी पर काम करते हुए ब्राह्मण चेहरे को मंत्री भी बनाया है, ताकि जो ब्राह्मणों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से रही है, जिस पर विपक्ष लगातार बात कहते आया है कि ब्राह्मणों का सरकार कुछ नहीं कर रही है, ब्राह्मणों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद के जरिए उस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से नितिन, काफी लंबे समय से इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं बनी हुई थी, ऐसे में हर बार एक नाम था जो सामने आ रहा था और वो था एके शर्मा, लेकिन आज के मंत्रिमंडल विस्तार में एके शर्मा दिखाई नहीं दिए, क्या कुछ कारण दिखाई देते हैं? ये बिल्कुल साफ तौर पर एके शर्मा पर सबसे ज्यादा अटकलें लगाई गई थी और एके शर्मा पर उम्मीद जताई जा रही थी कि एके शर्मा को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाएगी। अहम बात यह है कि एके शर्मा के नाम पर अटकलें उस समय से जोरों पर थी जब से उन्हें उत्तर प्रदेश लाया गया था और उन्हें एमएलसी बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि बहुत जल्द एक मंत्रिमंडल विस्तार होगा जिसमें एके शर्मा को जगह दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो बन नहीं पाई हैं एके शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, और उसी का ही नतीजा है कि आज एक बार फिर से जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो एके शर्मा को जगह नहीं दी गई है। अहम बात ये भी है कि एके शर्मा को कहीं ना कहीं वाराणसी की जिम्मेदारी ज्यादा दी गई हुई है, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, विकास सही तरीके से हो, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो एके शर्मा के कंधे पर ही है और एके शर्मा बनारस में पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्रयास यही रहेगा
एके शर्मा का भी और बीजेपी का भी कि एके शर्मा को आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का जो 22 का विधानसभा का चुनाव है किसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें किसी सीट से उनकी दावेदारी पेश कराई जाए। जी तो नितिन, आज आखिरकार योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, 7 मंत्रियों ने आज शपथ भी ग्रहण कर ली है। ऐसे में जो सभी नाम निकलकर सामने आए हैं वो किसी न किसी समुदाय विशेष से निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि 2022 में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, योगी सरकार ने अपने सारे पैतरों को एक तरीके से तैयार कर रख दिया है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से आज जाति आधार पर ये मंत्री बनाए गए हैं, इसका क्या कुछ फायदा उनको देखने को मिलेगा? देखिए, जाति आधार पर केंद्र ने भी अपना कैबिनेट का विस्तार किया था जिसमें ओबीसी के 8 से 9 चेहरे शामिल किए गए थे, ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग मिलाकर के। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी आज किसी को कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, एकाएक अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को, इस पूरी खबर को दबाकर रखा गया था और अचानक से इस बात का ये एक खबर निकलकर सामने आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विस्तार कहीं ना कहीं आज हो भी गया है। दूसरी चीज, जातिगत समीकरण को बैठाने की पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से करी गई है, बीजेपी की तरफ से करी गई है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख जातियां हैं जिन जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नाराज चल रही है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार इस बात को कहते आया है कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए जितिन प्रसाद का नाम शामिल किया गया है। इसलिए इसके अलावा दलित वोट बैंक को साधने के लिए और पश्चिम की बेल्ट को साधने के लिए पश्चिम से ज्यादातर ऐसे जो नाम है, जो जिसमें अगर हम आपको बता दें तो आपके बरेली के छत्रपाल गंगवार हो गए, इस तरह के, इसके अलावा आपके संजीव कुमार गौड़ हो गए, इन ये जो नाम है ये कहीं ना कहीं पश्चिम वोट बैंक को साधने के लिए और पश्चिम में उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए प्रयास किए गए हैं और इन नामों को शामिल किया गया है। जातिगत आधार भी है और क्षेत्रीय बेल्ट को भी मजबूत करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से इस मंत्रिमंडल विस्तार में किया गया है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर आज योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है, जिसमें 7 मंत्रियों ने आज शपथ ग्रहण की है। राजभवन से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राज्यपाल ने सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई है, जिसमें जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटिक, धनवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार को राज्य मंत्री बनाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।